पैसेंजर फोकस पे है और एनसीआर को इस साल 92 अरब रुपए का आउटले मिला है, जिसमें डिफरेंट सुविधाएं जो पैसेंजर्स की हैं और रेल की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एनसीआर जोन प्रयास रहेगा। नई लाइनों के उसमें गेज कन्वर्जन, नई लाइन बिछाना और ट्रैफिक फैसिलिटीज़ को लेके लगभग 50 अरब का उसमें आउटले रखा गया है। RUB, ROB, FOBs, रोड सेफ्टीज, इन सब पे भी ध्यान रखा गया है। और भी चीज़ें जो करी गई हैं, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन पे 5 अरब है, कस्टमर एमिनिटीज़ पर करीब 8 अरब का आउटले रखा गया है। सर, इसके अलावा कुंभ 2025 का भी आ जाएगा, उसको लेकर भी कोई प्रावधान किए गए हैं? कुंभ को लेके हम लोगों ने प्रपोजल भेजे हुए हैं, NCR ने भी भेजा है, NER ने भी भेजा है और नॉर्दर्न रेलवे ने, क्योंकि तीनों जोन मिलके यहाँ के सभी स्टेशनों को कवर करते हैं और ये करीब लगभग 400 करोड़ रुपए के प्रपोजल्स हमारे गए हुए हैं। अभी डिटेल्स में क्या सेंक्शन होके आता है अभी जैसे पता चलेगा आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, रेलवे स्टेशन का वैसे भी प्रयागराज जंक्शन का रिमॉडलिंग की जा रही है, तो क्या उसका प्रोजेक्ट है और कितना उसमें आगे कार्य हुआ है? प्रयागराज जंक्शन पर जो स्टेशन रिमॉडलिंग होनी है उसका कार्य अबाउट हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, लगभग 4 साल यानी कि 2027 तक करीब पूरा होगा और कोशिश रहेगी कि बीच में इसमें कुंभ भी आएगा तो कुछ दिन कार्य रुकेगा भी, तो उसको फेसिंग करते हुए किया जाएगा। छोटी दूरियों पर वंदे मेट्रो चलाने की बात, क्या प्रयागराज से किन किन स्टेशनों के लिए गया है? वो ये है कि ये करीब 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो 2 स्टेशन हैं मेजर, उन सबको कवर करके होगा, जिससे कि दोनों स्टेशनों की बढ़ोतरी करीब 100-100 किलोमीटर लगभग 100-100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो स्टेशन हैं उनको कवर करने होंगे, जिससे कि वो दिन भर आपस में इधर से उधर भागती रहें और पैसेंजर्स को दोनों स्टेशन का फ़ायदा पहुँचाती रहे।